10,000 Mbps स्पीड में दे सकता हूँ एक कस्टमर को। वाह वाह वाह, देखिए 100% अपलोड हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है अपलोड। आज़ाद पे आया था वीडियो बनाने के लिए, पता चला कि भाई नहीं ये हाफिज़ जी अभी बने हैं, तो इसकी मिठाई लोग खिला रहे हैं, तो मिठाई खा के मैं आप लोग से मिलता हूँ। सलाम आदाब दोस्तों, वेलकम टू द चैनल, आई होप यू ऑल आर गुड। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ आज़ाद पर और जा रहा हूँ शाहगंज। एक्चुअली वीडियो तो एडिट कर दिया हूँ, लेकिन गाँव में बहुत बुरा नेटवर्क है और वीडियो अपलोड इतनी आसानी से नहीं होगी। और शाहगंज मार्केट में मेरे एक रिलेटिव हैं, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं और उनके यहाँ जो आमतौर से स्पीड होती है वो होती है 100 PS। ये तो बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, मेरे लिए बहुत आसानी होगी, आसानी से वीडियो अपलोड हो जाएगी। इसके लिए मैं जा रहा हूँ शाहगंज, और शाहगंज जब पहुँच जाऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें तो आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों शाहगंज। फाइनली मैं शाहगंज टाउन में तो पहुंच चुका हूं, लेकिन रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगी हुई थी और मेरे आगे आगे एक ट्रक चल रहा था, इस पर शायद सीमेंट थी और सीमेंट धीरे धीरे गिर भी रही थी। यानी ऑलरेडी इतना पोल्यूशन तो है ही, ऊपर से ये सब और पोल्यूटेड कर दे रहा है पूरे इन्वायरमेंट को। चलिए चलता हूँ, मैं अपनी वीडियो अपलोड करता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करने जा रहा हूँ, देखता हूँ कि कितना टाइम लगता है क्लिक करने के बाद अपलोड होने में, या कितने मिनट में ये अपलोड हो जाती है फाइल। आमतौर से 15-20 मिनट लगता है। ये देखिए सामने यहाँ पे दिखा रहा है नीचे 5%, 6%, मतलब सेकंड से ज़्यादा तेज़ चल रहा है परसेंटेज बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है। ये कभी ऐसा नहीं हुआ था जो 2 मिनट दिखा रहा है, हमेशा कम से कम, कभी कभी तो नेटवर्क वीक रहता था। तो ये देखिए 48 सेकेंड हो गया, मतलब 2 मिनट भी वो फेक ही था वो, क्योंकि कंप्यूटर को खुद ही समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए। बहुत तेज़ स्पीड है, और जबकि ये वाया है डायरेक्ट, ये नहीं केबल है, देखिए ये मोबाइल में इन्होंने वाईफाई से कनेक्ट करके फिर मुझको कनेक्शन दिया है। अगर ये डायरेक्ट ब्रॉडबैंड से कनेक्शन रहता आई थिंक 10 to 15 सेकंड में अपलोड हो जाती फुल वीडियो। देखियो वाह वाह वाह, देखिए 100% अपलोड हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है अपलोड। 54 सेकंड में वीडियो फुल अपलोड हो गई, बहुत बड़ी बात है। ये कभी नहीं हुआ था, जब मैं कुटला बाजार में कभी वीडियो अपलोड करता था तो 10 से 15 मिनट कम से कम लगते थे, और आमक में अगर मैं करता हूँ वीडियो अपलोड तो आधा घंटा से 45 मिनट लगते हैं। हमेशा ये आम बात है, कोई भी मोबाइल नेटवर्क इतनी ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड आपको कर ही नहीं सकता, ख़ास तौर से अपलोड में। डाउनलोड तो थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अपलोडिंग इतना ज़्यादा कभी नहीं हो सकती है। नियर फ्यूचर में तो ये हो ही नहीं सकता कोई मोबाइल वाला हमको इतनी स्पीड दे दे, लेकिन इन्होंने बहुत सारे बैरियर्स को तोड़ा है और इतनी बेहतरीन सर्विस ये देते हैं शाहगंज में और खेतासराय में। चलिए जानते हैं इस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के ओनर से, जिनका नाम है नासिर साहब, इनसे मिलिए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुर्रहमान भाई हमारे यहाँ आने के लिए, आपकी ज़रा नवाजी है कि आपने हमारे लिए। नहीं भाई, ज़रा नवाजी हमारी कुछ नहीं है, आपका आपकी स्पीड ही इतनी अच्छी मुझको मिली कि आपके बारे में वीडियो बनाना तो बनता ही था। जिस टेक्नोलॉजी को मैं यूज़ करता हूँ, मैं उसमें जीपॉन टेक्नोलॉजी है, जिसमें एक एक पोर्ट पे 10,000 Mbps स्पीड में दे सकता हूँ, 10,000 Mbps स्पीड में दे सकता हूँ एक कस्टमर को। लेकिन अभी जो है मैं कस्टमर को 200 Mbps और 500 Mbps प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को रिक्वायरमेंट है हैवी स्पीड की तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा। और मेरा जो नेटवर्क है इस वक्त लगभग 120 से 130 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है,
जो यहाँ शाहगंज के आसपास पूरे हर एरिया में मेरा नेटवर्क फैला हुआ है। 2014-15 में मैं BSNL से 1 Mbps 2 Mbps स्पीड की बात कर रहा था, उन्होंने प्रोवाइड किया लेकिन मतलब बहुत परेशान कर दिया उन लोगों ने। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना जो है सीधे सीधे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाए हाई स्पीड और लो रेट में। आप लोगों ने बहुत सी कहानियां सुनी होगी कि सिस्टम के मारे लोग जब कुछ कर गुजरते हैं तो बहुत बड़ा कर गुजरते हैं, ये भी सिस्टम के मारे हैं, परेशान होकर इन्होंने खुद की सर्विस शुरू कर दी इंटरनेट की, बताइए, बहुत बड़ी बात है। चलिए दोस्तों, हम लोग आपको ओकला स्पीड टेस्ट जो ऐप है उस पर टेस्ट करके बताते हैं कि कितने MBPS इसकी डाउनलोड स्पीड है। 216-215 ये देखिए MBPS डाउनलोड स्पीड बता रहा है, यानी 100 के बाद वो मतलब जो सुई है ना वो अटक के रह गई है, उसके बाद जा ही नहीं रही है। 205 MBPS बताइए डाउनलोड स्पीड बता रहा है, और अपलोड स्पीड देखिए 175 अपलोड स्पीड है। वाओ दोस्तों, ये जो कटरा है ये जनकपुरी कटरा के नाम से मशहूर है और इसी में इनकी ऑफिस है भाई की। जब आप आएंगे जौनपुर के साथ जब जाएंगे मेन जो चौक से थोड़ी ही दूरी पे आने के बाद राइट साइड में आपको जनकपुरी कटरा का बोर्ड मिल जाएगा, उसी के अंदर आप आ जाइएगा तो आपको ऑफिस आसानी से मिल जाएगी। इस वक्त बज रहा है 3:24, तो भूख तो लगना वाजिब है, तो भूख का कुछ एहसास हो रहा है, सोचा कि यार कुछ नाश्ता ही कर लेता हूँ, और शाहगंज में हूँ और भला मैं अलबैक ना आऊँ जिसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, तो मैं चलता हूँ अंदर कुछ ऑर्डर करता हूँ और आप लोग को भी ज़रूर दिखाऊँगा। भाई जिसके पेट में दर्द होती है मुझको खाते हुए देखकर वो अपनी आँखें बंद करके देखा करे, नज़र ना लगाए और ये टेंशन में ना रह गया भाई कितना खाते हो, यार हर कोई खाता है, बस मैं खाते हुए दिखाता हूँ, इतना ही फ़र्क इसलिए दिखाता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छा लगता है देखना, तो भाई दिखाना ज़रूरी बनता है, और ब्लॉगर हूँ डेली लाइफ स्टाइल का, जो भी दिन भर में जो भी काम करता हूँ वो चीज़ें आप लोग को दिखाता हूँ। दोस्तों ये मैंने ऑर्डर किया है चिकन स्ट्रिप जो कि बोनलेस चिकन रहता है, तो आज इसका फर्स्ट टाइम टेस्ट मैं करूँगा, देखता हूँ ये कैसे लगता है। अच्छा आप लोग ये पानी से धुल क्यों देते हैं? मैदा मतलब अच्छी तरीके से चिपक जाता है, इसके लिए ये लोग पानी में डालते हैं, फिर दोबारा पानी में डालने के बाद फिर दोबारा फिर मैदे में डाल के फिर इसको झाड़ देते हैं। मैदा अच्छी तरीके से चिकन में लग जाता है जिसकी वजह से इसके अंदर क्रिस्पीपना बहुत ज़्यादा आ जाता है। लीजिए दोस्तों हमारे पास आ गया है, और ऊपर से एक केचप डाला जा रहा है जिसका टेस्ट ही कुछ अलग होगा, और साथ में हमारे नासिर भाई भी हैं तो इनका भी रिव्यू लेंगे, मेरे अलावा इनका भी रिव्यू जब रहेगा तो आपको आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कितना एक्चुअल रिव्यू है। मस्त है एकदम करंची। आपको शादी में अगर बेहतर खाना है तो अलबैक, मिस्टर जॉन अलबैक, रियली में आप जब आएंगे ना क्रंचनेस जो यहाँ पे है मजा आ जाएगी, बोलते हैं ना कुरकुर कुरकुर खूब अच्छे से करेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप जो लोग नए व्यूवर्स हैं मेरे वो शायद नहीं समझ पा रहेंगे ये कुरकुर कुरकुर क्या है तो इनकी जो मैंने पहली वीडियो बनाया था वो जरूर जाके देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। टेस्टी चिकन स्ट्रिप और क्रंची फ्रेंच फ्राइज खाने के बाद कॉफ़ी का मज़ा कुछ अलग है, और जानते हैं आप लोग कि शाहगंज में कॉफ़ी ही बहुत ज़्यादा बिकती है, यहाँ पे टी लवर कम है कॉफ़ी लवर ज़्यादा है, और जो नुक्कड़ पे आमतौर से चाय की दुकानें होती है कम है, यहाँ पर यहाँ कॉफ़ी की दुकानें ज़्यादा है। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे ब्लॉग्स में बताया है कि कॉफ़ी ज़्यादा पी जाती है शाहगंज या जौनपुर के इलाके में, आजमगढ़ में या मऊ में चाय ज़्यादा पी जाती है। दोस्तों यहाँ की बहुत एक अच्छी बात बता देता हूँ कि ये जो भाई हैं ओनर भी है और हेड शेफ है, और इन्होंने दुबई डेरा में 6 साल काम किया है, और यहाँ शाहगंज में इनको हो गया 8 साल, यानी 14 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको हर चीज़ यहाँ पे टेस्टी मिलने वाली ही है। ये श्योरिटी तब होती है जब कोई एक्सपीरियंस शेफ होता है, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें इंसान सीख जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टेस्टी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी, बेफिक्र होकर आप लोग यहाँ पे ज़रूर आइए। भाई साहब हमारी वीडियो दुबई में देखा करते थे, देखते ही पहचान गए, थैंक यू सो मच, मिलकर अच्छा लगता है आप लोगों से, मिला जब कीजिए तो बात ज़रूर किया कीजिए, सिर्फ फोटो वगैरह ले कर मत चले जाया कीजिए, बात करने में बहुत अच्छा लगता है।
दोस्तों आज की वीडियो तो आप लोग को बहुत शॉकिंग वीडियो लगी होगी, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ भी कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरनेट एकदम अच्छे से चलता ही नहीं है। और यहाँ शाहगंज में नासिर भाई की वजह से 5G प्लस की स्पीड मिल रही है और 1 GB की फाइल आप 5 से 10 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। इस चीज के लिए तो नासिर भाई को थम्स अप देना जरूर बनता है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि हर चीज की अपडेट आपको मिलती रहे। बहुत लोग कमेंट करते हैं भाई आप कहाँ पे हैं, आपसे मिलना है, तो मैं इंस्टाग्राम पे सारा अपडेट डालता रहता हूं। आप वहां पे फॉलो करेंगे तो सारी चीजें आसानी से आपको पता चल जाएगी। आपको डिटेल में कुछ जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या फिर आप उनके ऑफिस विजिट कर सकते हैं। सो दोस्तों एज ऑलवेज कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू लवली पीपल।